Good morning, 7th class. This is Shivam, and today we are doing exercise 2.2, question number 6. Okay, question number 6 is multiply and express as a mixed fraction. Multiply karna hai aapko aur express karna hai as a mixed fraction. Aur mixed fraction mein hi aapko uska answer dena hai. Express ka matlab uska answer aapne mixed fraction mein hi dena hai. अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो यहाँ पे एक होल नंबर है और यहाँ पे एक मिक्सचर फ्रैक्शन है तो इस मिक्सचर फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे आप हम ठीक है तो कैसे लाएंगे देखो थ्री कैसे करते हैं मल्टीप्लाई मिक्सचर फ्रैक्शन सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन लाएंगे 5 5 25 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
26 को मल्टीप्लाई होता है। देखो होल नंबर और फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई एंड एज कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को हम सेम ही उठाते हैं आगे के लिए। अब देखो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते 3 6 18 और 1 कैरी 3 6 1 कैरी 7 78/5। तो अब ये तो हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन, इसको मिक्सर फ्रैक्शन इस तरह आंसर देना है आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन आपने रफ वर्क में नहीं करनी है, इस क्वेश्चन के इस तरफ ही करनी है साइड में पेंसिल के साथ। तो 78/5 आंसर 5, ठीक है, माइनस किए 5 तो कितना आ गया 7 में से 5 के 2 और 8 का 8 तो कितना बच गया आपके पास 28। दिस इज योर 28 बच गया, फिर से कर लेते हैं और 28 का तो 5 का 25 माइनस कर लो 8 से 5 3 बच गया। अब आपके पास रिमाइंडर 3 है, इसके आगे 5 से कटेगा नहीं, तो आप भी आपने रुक जाना है और इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख देना। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन, कल बताया था मैंने क्वेश्चन ऊपर रिमाइंडर नहीं रहते यार और इधर डिवाइड, तो क्वेश्चन कितना है बेटा 15 रिमाइंडर और ये डिवाइड आंसर, बस बाकी क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। डी पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3/4, इसको पढ़ना 6 3/4। मिक्स फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई 4 6 24 24 में पर कर दो प्लस 3 24 और 3 हो गए आपके 27 बाय 4 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई करने पर बेटा आएगा ये 5 7 35 कैरी 3 5 10 135 बाय 4, डिवीजन कर लो साइड में ही पेंसिल के साथ 4 4 3 12 माइनस कर लो 1 बचा 5 बता दो 4 3 12 माइनस कर दो कितना बचेगा बेटा 3, तो कितना आया मिक्स फ्रैक्शन क्वेशेंट ऊपर रिमाइंडर 3 और नीचे डिवाइड। सी पार्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 6 1/4 चेंज करो इसको, सबसे पहले 4 2 8 + 1 9/4 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम 63 7 9 63/4 डिवाइड करो 63 को 4 से 4 1 4 माइनस करो 23 4 5 20 माइनस करो 3 कितना आ गया बेटा 15 3 6 4। नाउ सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी तो डी पार्ट इज 4 × 6 3 4 6 18 + 1 19/3 मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम 4 9 36 4 1 4 3 76/3 3 2 जा 6 1 16 3 5 15 और 25 1/3 ई पार्ट, तो ई पार्ट इज 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6 3 4 12 + 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6 यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम 6 3 18 6 3 18 6 1 6 + 1 78/4
फोर वन जा, अच्छा ऐसे मत काटो, साइड में काटो तो फिर से भूल जाएंगे, 78 बाय 4, 4 वन जा 4, 3 बच गया, 8, 4 नाइन जा 36, 2 बच गया, तो क्या आएगा 19 शेड 2 बाय 4, ए बी सी डी ई एफ पार्ट, जो एफ पार्ट इज इस 2 बाय 4 को काट के 1 बाय 4, 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं आप, 2 वन जा 2, 2 जा 4, ठीक है, नहीं इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 शेड 2 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 3 जा 15 और 2 17 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 1 जा 8, 5 8 5 13, 5 136, 5 जा 10 माइनस करो 3 36, 5 7 जा 35, रिमेंडर 1 27 शेड 1 बाय 5, ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे हम ए पार्ट, जिसमें आपको निकालना है हाफ ऑफ 2 शेड 3 बाय 4 का हाफ निकालना है, तो निकाल दो, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 टू 8 प्लस 3 8 की 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी आपकी 11 अपॉन 4, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टू फ्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 11 में 11 या कि 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 11 और 8, 11 बाय 8, मिक्सड फ्रैक्शन में आंसर देना है इसका भी, 8 बन जा 8 माइनस करो 3 बचेंगे, तो कितना आएगा 1 शेड 3 बाय 8 इज योर आंसर, दिस इज द मिक्सड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलते हैं हिंदी में इसको, बी इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी ये था ए फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट, और ए का सेकंड पार्ट में भी हाफ ऑफ 4 शेड 2 बाय 9 ही आना है, तो हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 माइनस 36 और 2 38 बाय 9, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स विद ईच अदर, सो दिस विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाय 38, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 38 वन जा 38, 2 9 जा 18, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 18 टू जो होते हैं 36, 2 बच गया, ठीक है 2 बच गया, अभी कटेगा तो लिख लो इसको 2 शेड 2 बाय 18, इसको काट देंगे 2 वन जा 2, 2 9 जा 18, तो आएगा 2 शेड 1 बाय 9 आंसर, थर्ड पार्ट तो है नहीं इसका, इसका बी पार्ट है, बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट है 5 बाय 8, निकालना है आपको ऑफ 3 शेड 5 बाय 6, तो ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 3 से 18 प्लस 5 23 अपॉन 6, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, मल्टीप्लाई करो 5 से 5 थ्री जा 5 थ्री जा 15 एंड 5 टू जा 10 11 115 8 6 जा 48 8 6 जा 48, इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 48 टू जो होते हैं 96 माइनस कर लो 15 से 6 हो गए 9 10 से 9 गए 15 और 4 सॉरी 1 मिनट हाँ 19 बचेगा 19 सो दिस इज आंसर 2 शेड 19 अपॉन 48 सेकेंड पार्ट 5 बाय 8 ऑफ 9 शेड 2 बाय 3 तो 5 बाय 8 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 3 8 जा 20 3 9 27 और 2 29 बाय 3
मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। 529 जो होते हैं बेटा 145, 83 जो होते हैं 24। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, मिक्सचर फ्रैक्शन लिख लेंगे। होते हैं 144, तो वन बचा है। उसे देख लो, सिक्स एट वन बाय 24, सिक्स एट वन बाय 24। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट का ए पार्ट करेंगे पहले, जिसमें है 1/4 निकालना है आपने। 1/4 और 1/4, देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मिलाने से 1/4 16, 1/16, ठीक है, कितना आएगा 1/16, इतना ही करेंगे इसको। फर्स्ट का बी पार्ट 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3 × 3 = 4, 5 = 20 आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट 1/4 ऑफ 4/3, तो कर लेंगे सॉल्व। 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन 4/3, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 4 = 12, 4 × 4 = 4, 3 = 12, मतलब 1/3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का ए पार्ट, सेकंड पार्ट का ए पार्ट आपको 1/7 निकालना है ऑफ 2/9। तो सो वेरी सिंपल, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 63 इज योर आंसर। सेकंड का बी पार्ट 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 × 6/5, 6 × 6 = 6, 6 × 7 = 25 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इजी क्वेश्चन है बेटा, कहीं समझना है तो ग्रुप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। सी पार्ट 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 × 3/10, 3 × 3 = 7, 10 = 17 इज योर आंसर। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है, इसको अपने नोटबुक में राइट कर लें। थैंक यू।